हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर ओके हेल्दी एंड हैप्पी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का काफ़ी दिन से हम कर रहे हैं, 3-4 वीडियो हो गए हैं, बट स्टिल वी कुडंट कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स। सो टुडे आई थिंक वी शुड कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी। वी आर डीलिंग विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप अगर पेपर देखेंगे पिछले कुछ सालों के, चाहे बोर्ड के हैं चाहे आप जेई की बात करें, मेंस और एडवांस की, तो दोनों में यही ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि एनसीईआरटी की सॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक हमें इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके हो गए तो आपको बेस मिल जाएगा। किसी भी तैयारी करने के लिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए आपको बेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्लाइटली चेंज मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यू शुड प्रिपेयर ऑल द एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। 8 क्वेश्चन अपने हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है। सर्कुलर कॉइल ऑफ 60 टर्न्स रेडियस टेंशन कैरिंग ए करंट ऑफ 0.75 एम्पीयर रेस्ट विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड 5.0 × 10⁻²⁻¹ टेस्ला। द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। व्हेन द कॉइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज द ऑसिलेट्स अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.0 पर सेकेंड। तो ये जो चीज है ये इस साल अपने बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जेई के सिलेबस से भी हटेगी, तो फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 4th या 5th वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। तो मैं आपको बच्चों बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको मैं आउट ऑफ सिलेबस अभी मान लेते हैं। फिलहाल ये क्या है कि अपने सिलेबस में इस साल के लिए है नहीं, तो जेई में भी नहीं मिलेगा, नीट में भी नहीं मिलेगा, ऐसी उम्मीद होगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जो चीज रिमूव हो गई है उसके ऊपर कंसंट्रेट करने से बढ़िया है कि हम जो चीजें अपने सिलेबस में उनको पढ़ें। ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि जो अर्थ है इसके अंदर यहां पर ये नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंटिंग डाउन है। पॉइंटिंग डाउन का मतलब हुआ कि ये जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके पॉइंटिंग डाउन नीचे की तरफ, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें नीचे की तरफ ऐसे है ना। यहाँ पर इसको बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, आप ऐसे देखिए कि जैसे मार्कर है, तो यहाँ से 22 डिग्री से नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे, तो कौन सा एंगल हुआ? ऑब्वियसली इट इज एंगल ऑफ डिप। एक चीज और बता दें बच्चों, आपको जितना बढ़िया से समझ में आ रहा है इतना समझ में आता नहीं है डिप एंगल वगैरह, बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए, बट इसको हमने कोशिश की है कि जितना सिंप्लीफाई कर सके हम करें। सो एंगल ऑफ डिप इज गिवन, दैट इज 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एट द प्लेस इज नॉन टू बी 0.35। ये तो 22 डिग्री आ गया आपका, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो दिया हुआ है आपका 0.35 ग्रॉस। उस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक इज गिवन 0.35 ग्रॉस। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर फाइंड आउट करना है। बीई इज रिक्वायर्ड, तो फॉर्मूला पुट कर दो, वी कैन फाइंड आउट बीएच बाय बीई कॉस डेल्टा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बढ़िया से, थ्योरी में भी हमने किया था बट इतने दिन में साफ हो गया होगा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बी एच जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैन डिटरमाइन बाय बी कॉस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप। अच्छा,
इसमें रख दो बच्चों बी ई, आपको फाइंड आउट करना है तो बी ई क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी एच अपॉन कॉस ऑफ डेल्टा, बी एच दिया हुआ है 0.35 अपॉन कॉस ऑफ 22 डिग्री। तो ये विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते क्योंकि द वैल्यू ऑफ कॉस 22 डिग्री इज ओनली कैन बी डिटरमाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यूज वगैरह मिल जाएगी और इसकी वैल्यू जो आएगी टोटल वो आएगी 0.38 कॉस के आसपास। बट ये मैंने आंसर से देख के लिखा है, हमें जो कुछ आंसर अगर इसी सिचुएशन में दे रहा है तो हम यहीं पर आंसर लिख सकते हैं इतने गॉस, ठीक है, यहाँ पर भी हम आंसर लिख सकते हैं, विल गेट फुल मार्क्स क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या फिर आपको यहाँ पर वैल्यू ऐसी मिलेगी 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, राइट। हाँ तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, चलो साफ कर देते हैं। बहुत समझ समझ के सवालों को करने की जरूरत है, ये क्वेश्चंस काफी चैलेंजिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहते हैं, एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका, अफ्रीका की बात कर रहा है, कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। अच्छा, एक अफ्रीका में कोई जगह है, ये आपका जियोग्राफिक मेरिडियन हो गया, ये यहाँ पर अफ्रीका में कोई जगह है, ये इसमें भी आ सकता है इसमें भी आ सकता है, बट ये कह रहा है कि जियोग्राफिक जो नॉर्थ है तो इसका मतलब ये यहाँ पर इधर इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर जियोग्राफिक नॉर्थ इधर हो गया, यहाँ से वेस्ट की तरफ पॉइंटिंग आउट कर रहा है, 12 डिग्री का एंगल बना रहा है वेस्ट की तरफ, ऐसे ये जियोग्राफिक ये 12 डिग्री है, समझ में आया, वेस्ट की तरफ। अरे भाई ऐसा होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ 12 डिग्री का जियोग्राफिक नॉर्थ के साथ एंगल बना रहा है, ये कौन सा एंगल है, कंपास ये जो एंगल बना रहा है ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज देयर, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज गिवन दैट इज थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री इन द वेस्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल जियोग्राफिकल नॉर्थ। अच्छा, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक मिडल ऑफ द डीप सर्किल प्लेस्ड इन ए प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री अबव द होरिजन, और जो टिप है ये ऐसे घूमी हुई है 12 डिग्री, मान लीजिए नॉर्थ आपके साइड में है तो ये टिप थोड़ी सी ऐसे वेस्ट की तरफ घूमी हुई है 12 डिग्री, लेकिन ये इधर ही नहीं घूम रही, साथ ही इस सर्किल के साथ जो इस प्लेन में सर्किल बन रहा है इससे 60 डिग्री अबव है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ डिप है वो क्या है, 60 डिग्री अबव, एंगल ऑफ डिप इज गिवन 60 डिग्री अबव द होरिजेंट, होरिजेंटल से 60 डिग्री ऊपर की तरफ, वेरी नाइस। अब देख बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, द होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक होरिजन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड, यहां अर्थ फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से है, इज मेजर्ड टू बी 0.16 गॉस, हियर द बीएच इज गिवन बाय 0.16 गॉस, स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास वही फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, दैट इज बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस ऑफ डेल्टा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दे रहा है ओनली इट विल बी यूज्ड टू
डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चलो लिखते हैं यहां पर, सॉल्व कर लो इसको। बी इज गिवन बाय बी एच अपॉन कॉस ऑफ डेल्टा। व्हाट इज बी एच? बी एच इज गिवन बाय 0.16 cos अपॉन cos डेल्टा, cos ऑफ 60 डिग्री। द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज हाफ, सो आई कैन राइट इट 0.16 अपॉन हाफ। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 0.16 इज इक्वल टू 0.32 cos। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द इश्यू अराइजेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? तो डायरेक्शन जो फील्ड की होती है वो हमेशा हमेशा उधर ही रहती है जिस साइड में जियोग्राफिक नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है उसके साथ जो कंपास डायरेक्शन बताता है। कंपास किसके डायरेक्शन बताता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता है। तो यही इसी को हम यूज करते हुए लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी या इज 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ एंड 60 डिग्री अबव द होरिजेंट। ऐसे होगा ना, जिस साइड में कंपास दिखा रहा है उसी साइड में होगा। तो कंपास इसको यहां से दिखा रहा है कि 12 डिग्री तो वेस्ट में दिखा रहा है, 60 डिग्री ऊपर दिखा रहा है, तो वही डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। सो दैट्स ऑल। ठीक है, दिस वन विल बी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सो आई थिंक यू हैव रिटन इट। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चल बहुत हमें यहां पर ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां काम आएगी। है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप कहां काम में कौन सा आएगा, किस तरह ये यहां पर इसे थ्योरी भी क्लियर होती है। न्यूमेरिकल्स बढ़िया से किए इसका मतलब आपकी थ्योरी भी अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। तो बार मैग्नेट का एक दिया हुआ है m 0.48 जूल पर टेस्ला। ओके, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस एंड द इक्वेटोरियल लाइंस, यानी नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। बहुत बढ़िया, आपको क्या पूछा है यहां पर? इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, अच्छा, और उसकी डायरेक्शन पूछी है, साथ ही ये पूछा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले इसको हमें पता होना चाहिए कि फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और हमें यहां पर एक इस तरह की बार मैग्नेट दी है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ऐसे इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, करेक्ट, और इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये क्लियर है। अब बच्चों इस चीज को समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल वे में ये कह रहा है कि
इसकी एक्सिस पर, इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर यहां पर कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है और दिस वन इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसका अलाइनमेंट दिया हुआ है क्या, एक मिनट हम देख सकते हैं बार मैग्नेट कैसे रखी हुई, नहीं ये नहीं दिया, चलो तो कोई इशू नहीं होगा ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि कई बार ये देते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ कैसे रखी हुई है ना, फ्री सस्पेंडेड है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एक्सिस में, एक्सियल एक्सियल में क्या होगा, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर तो क्या होगा टू एम अपॉन आर क्यूब है ना, और इक्वेटोरियल पे होता है तो इसका हाफ हो जाता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर क्यूब। अगर यहां पर है तो, अगर यहां पर है तो ऐसा हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, करो इसको सॉल्व करो, b विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो होगी 10^-7, 2 into m is given 0.48 upon r cube, that is 0.1 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करेंगे 0.1 मीटर होल क्यूब। सो इट कैन बी गिवन बाय, यहां मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.96 आ गया, ऊपर आ गया 10^-7, ये 10^-1 होगा -3 और -3 ऊपर जाएगा तो 10^-4 + 3 राइट, तो ये आ गया बच्चों 0.96 × 10^-4 टेस्ला। अगर मैं इसको गॉस में लिखूं तो 0.96 गॉस, क्योंकि 1 गॉस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला, सो आई कैन राइट इट इन दिस वे, इट्स डायरेक्शन। अब बताओ ये ऐसे यहां से निकलेगी, ऐसे बहुत से है ना, ऐसे निकल गया, अच्छा डायरेक्शन एक साथ देख लेंगे दोनों। चलो अब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ऑन द इक्विटोरियल प्लेन, यानी इसके नॉर्मल बाइसेक्टर पर, यहां पर, यहां पर 10 सेंटीमीटर, इस बार हमें ये डिस्टेंस लेनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये इसका हाफ होगा है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू, तो यहां पर 2 है तो इसका मतलब ये डबल है, ये इसका हाफ होगा, तो हम इसी डाटा को यूज करते हुए यहां पर लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू 0.48 गॉस, 0.98 है ना, इसका हाफ हो जाएगा 0.48 गॉस। और इसने क्या लिखा है, और इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या निकाल रहे हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 12 डील कर रहे हैं, तो नॉर्मल डायरेक्शन, डायरेक्शन निकाल दिए, चल डायरेक्शन निकाल दो बच्चों, यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ, जो हम बात करते हैं यहां पर डायरेक्शन की, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन की बात करते हैं। पहले केस में जब हम एक्सिस के ऊपर थे और द एक्सिस वाले केस में जो बी की डायरेक्शन थी वो क्या होती, तो एक्सिस में क्या हुआ कि बच्चों आप लोग करते हो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक मोमेंट की एम की डायरेक्शन होती है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इस तरह नॉर्थ से निकलेगी है ना, तो ये इस यहां पर इसी साइड में, इसी साइड में आपके इस बी की डायरेक्शन होगी है ना, डायग्राम बना के देखो ना, यहां इस तरह ऐसे ऐसे निकलेगी
तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो एक्सिस पर है जो डायरेक्शन मिलेगी वो उसी डायरेक्शन में मिलेगी जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो हम इस एक्सिस पर लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ बी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एम। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, नाउ वी कम टू द सेकेंड केस एंड दैट इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। या मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर। इन द केस ऑफ नॉर्मल बाइसेक्टर हम क्या करेंगे कि यहां पर आपको ये बाइसेक्टर वाली पोजीशन है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और मोमेंट की डायरेक्शन हम पहले ही बता चुके हैं कि साउथ से नॉर्थ होगी ये, और जो उल्टी डायरेक्शन में आएगा यहां पर आएगा तो उल्टी डायरेक्शन में आएगा। सो वी कैन इजीली राइट इट एज द डायरेक्शन ऑफ बी will be opposite to m, m की डायरेक्शन के अपोजिट। m तो एक ही इसी डायरेक्शन में रहेगा ना, साउथ से नॉर्थ, और जो b होगा इक्वेटोरियल प्लेन में दिशा में, जबकि इसमें आपका एक्सिस पर होगा इन द सेम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट m। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी। बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इन चीजों को समझना है, एक ही चीज क्लियर करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्टी देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे कई कंसेप्ट एक साथ क्लियर होते हैं। ए सॉल्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस अलाइन्ड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये भी क्या है कि इस तरह मैग्नेटिक की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसी के अंदर इस बार मैग्नेट को, छोटी सी बार मैग्नेट को यहाँ पर अलाइन किया हुआ है, राइट। नल पॉइंट्स आर फाउंड, तो एक नया कंसेप्ट आ गया, नल पॉइंट क्या होगा? नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस एंड द एंगल ऑफ दिप इज 0। बहुत बढ़िया, काफी कुछ तो यहाँ पर सॉल्व हो गया कि ये डेल जो दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, जो बी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, यस द हाँ ठीक है, बी ई जो है वो 0 दिया हुआ है, 0.36 गॉस दिया हुआ है, तो बी ई हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, बी एच हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, बी ई इज गिवन, राइट, एंगल ऑफ दिप इज 0। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। बहुत बढ़िया, अब देखो बच्चों, सब कुछ डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन पहले इसको विजुलाइज करते हैं कि चक्कर क्या है, क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि ये डायरेक्शन मैंने ले ली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैंने डायरेक्शन ले ली और इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है आपका बार मैग्नेट। अब मुझे नहीं पता कि इसमें नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, मुझे ये चीज नहीं पता, बट इसने क्या कहा है कि नल पॉइंट मिलता है 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। तो 14 सेंटीमीटर या तो ऊपर की तरफ होगा एक्सिस पे या नीचे की तरफ होगा। अरे भाई, नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? नल पॉइंट का मतलब हुआ कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर हमें मिल रहा है
उसको कैंसिल करने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट का जो होगा राइट, तो वो इस साइड में अगर होगा ऊपर की साइड में, तब तो क्या होगा कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कैंसिल कैसे होंगे, इसका मतलब वो नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये एक्सिस के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा पी, जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी देखा था कि इसमें जैसे इस तरह की यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो एक्सिस पर उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी यानी इसकी डायरेक्शन, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। दोनों अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे तो यहां पर हो जाएंगे कैंसिल आउट, और जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये उसका नल पॉइंट है। क्लियर, क्लियर ना, एकदम क्लियर। हाँ, अरे अर्थ वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस बार मैग्नेट का नीचे की तरफ जा रहा है राइट, तो ये क्या हो गया, यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और पी विल बी द नल पॉइंट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस वन इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। क्वेश्चन है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहां पर, इस नॉर्मल बाइसेक्टर यहां इससे 14 सेंटीमीटर दूर यहां पर कितना होगा। तो यहां इसको बना के देखो, इसको विजुलाइज करके, कि यहां से इस तरह मैग्नेटिक फील्ड्स निकले, फील्ड लाइंस निकलेगी यहां पर एंटर करेगी, यहां डायरेक्शन क्या होगी इस इसकी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की है, यानी सेम एज बी एच एट द पॉइंट ऑफ ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर द डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेट विल बी सेम एज बी एच, दोनों की सेम होगी कि नहीं होगी, है ना, सेम होगी ना, और जब सेम होगी तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एडअप हो जाएंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक तो होगा बी एच अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस इस मैग्नेट का, मैग्नेट का यहां पर जितना होगा उसका यहां पर कितना होता है, यहां पर कितना होगा, यहां पर तो इसके इक्वल होगा तभी तो नल पॉइंट आया। तो बी इस पॉइंट पी पर कितना होगा, इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि बी एच, अच्छा बी एच इक्वल होगा, बी एच हमें निकाला था, बी एच हमें निकालना चाहिए बी ई कॉस ऑफ डेल्टा, तो बी ई दिया हुआ है 0.36 इंटू कॉस जीरो, वैल्यू ऑफ कॉस जीरो इज 1, सो 0.36 गॉस, तो इसका मतलब यहां पर तो 0.36 गॉस होगा, बट यहां पर कितना होगा, इसका यहां पर लिख लेता हूं 0.36 गॉस। ये जो बी मैग्नेट के कारण यहां पर जो होगा, बी ड्यू टू मैग्नेट, ये इसका हाफ होगा, फॉर्मूला जानते हो ना, बीपी क्या आएगा, बीपी आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब, ये होगा कि नहीं होगा,
और यहाँ पर कितना होगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका हाफ है, तो बी मैग्नेट इसका हाफ होगा। सो बी एच इज 0.36 और ये इसका हाफ होगा यानी 0.18। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0.54 गॉस इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी की ही डायरेक्शन में, ओरिजिनल कंपोनेंट की ही डायरेक्शन में ये यहां पर 0.54 गॉस आ जाए। बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत सुंदर कंसेप्ट यहां पर हम सीख सकते हैं। ठीक, अच्छा रन कर दो इसको, बहुत बढ़िया। तो यही सब कुछ हमें करना है बच्चों। यहां पर हमने दो चीजें यहां पर देखी, हमने एक्सिस पर जो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब, दैट वाज 0.36, यही आया था ना, हाँ बी एच। इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन, इफ द बार मैग्नेट इन द एक्सरसाइज 5.13 इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, वेयर व्हाट वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट्स बी लोकेटेड। अब नए नल पॉइंट कहां आएंगे, बी तो यही है, बी यही है, है ना, बी एच की यही है भाई। इसको घुमा दिया, ये जो एल यहां था उसको यहां पहुंचा दिया, यहां एस आ गया, एन की जगह, एन की जगह क्या आ गया, एस। तो फिर एस कैसी आएगी, ऐसी ये ऐसी निकलती हुई यहां से ऐसी आएगी। नल पॉइंट कहां हो सकता है, ये बी एच की डायरेक्शन तो यही रहेगी, नल पॉइंट हो सकता है यहां पर फ्रॉम एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट एंड एट द नॉर्मल बाइसेक्टर, यहां होगा कहीं ना कहीं, तभी तो कैसे ना होगा, यहां डायरेक्शन ये है बार मैग्नेट वाले की, इसकी ये ऊपर की तरफ है, तो यहां हम काउंट कर देंगे कहां पर आता है। ठीक है, तो पहली चीज तो वो होगा कहां, नल पॉइंट विल बी एट द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द बार मैग्नेट, पहली चीज तो ये होगी। अब वो कितनी डिस्टेंस पे होगा ये फाइंड आउट करना है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस, मान लेते हैं आर वन, मान लेते हैं कि आर वन, तो बच्चों यहां पर आर वन डिस्टेंस पर ये इस बी एच को कैंसिल आउट कर देगा, इस बी एच को ये कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां पर ये हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहां पर फॉर्मूला ये लिखेंगे कि जो मैग्नेट मैग्नेट का इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर वन क्यूब, और ये इक्वल होगा इस बी एच के, तभी कैंसिल आउट होगा ना, हाँ वो नीचे की साइड को उसके बी एच के इक्वल होगा, तो बी एच दिया हुआ है 0.36 गॉस। ठीक है, और आर डिस्टेंस पे यह आया हुआ था, अगर हम यहां पर इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो इस इक्वेशन को और इक्वेशन टू को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो सबसे पहले इस टू को हटा लेते हैं, यहां मिलेगा हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू एम अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0.18, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इस सॉरी ये मल्टीप्लाई है, अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, यहां मिलेगा हमें 1 अपॉन आर क्यूब अपॉन
वन अपॉन आर वन क्यूब इज इक्वल टू 0.18 अपॉन 0.36। सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कर ले, ये 1/2 हो गया, ये आर वन क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो वी विल गेट आर वन क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 1/2। आर वहां पर कितना था, 14 सेंटीमीटर, हाँ 14 सेंटीमीटर। सो आर वन क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो आर वन क्यूब आएगा बच्चों आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ओके, आर वन क्यूब विल बी इक्वल टू आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 14 का क्यूब इंटू 1/2, और आर वन आ गया आपका इसका क्यूब रूट, तो 14 क्यूब का तो 14 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का होल पावर 1/3। बहुत बढ़िया, 14 इंटू क्या आएगा यहाँ पर 2 की पावर आएगा -1/3। तो ये इतना सेंटीमीटर यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, क्योंकि 2 का क्यूब रूट आपसे निकलेगा नहीं। वैसे 2 का क्यूब रूट होता है वो करीबन ऐसा होता है, 2 का एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, बट ऑल ओवर अबाउट 1.26 के आसपास होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम रखकर भी निकाल सकते हैं, 1.26 आएगा, फिर इसका हम डिवाइड करेंगे ऐसे, जैसे आर वन इज इक्वल टू 14, ये यहाँ पर लिखे हम 1.26, इसकी जो भी वैल्यू आएगी आ जाएगी 1/2, ठीक है ना, 11 पॉइंट समथिंग आ गया ना, पॉइंट है तो ये आ गया 1400 अपॉन 1.26। इसको कम करें नहीं, डिवाइड कर लेते 1, फिर बस ये 14 0 अगेन 1 पॉइंट 14 0 1 सेंटीमीटर, लगभग ये इतना आएगा ऑन और अबाउट, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है तो यहाँ पर भी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बट आपको यहाँ पर मिलेगा आर वन 11.1 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पर हो गया पलट गया, आपने जैसे इस मैग्नेट को घुमाया नॉर्थ को ऊपर 180 डिग्री पर घुमा दिया, ये यूं थे इसको यूं कर दिया, तो जो नल पॉइंट एक्सिस पर था वो कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल नॉर्मल बाइसेक्टर। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, बहुत अच्छे सवाल है 13 और 14, एक बहुत नया कंसेप्ट देते हैं, लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा, रखने से काम नहीं चलेगा। चलो हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर भी बच्चे पीछे रहे वो वीडियो को पॉज करें, लिखें जरूर, मैं ये नहीं कहता मेरा वीडियो देखें पूरा, जिनको जरूरत होगी वो देखेंगे, मेरे कहने से नहीं देखेंगे, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि लिखें जरूर, अदरवाइज मजा किरकिरा हो जाएगा सारे पर। A short bar magnet or magnetic moment is placed with the axis perpendicular to the earth's wheel direction. एक short bar magnet है जिसका M दिया हुआ है, that is 5.25 multiplied by 10^-2 joule per tesla. Axis perpendicular to the earth's wheel direction. Earth की जो wheel direction है इसके परपेंडिकुलर यहां पर ये रखी हुई है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द अर्थ फील्ड। ए इज नॉर्मल बाइसेक्टर एंड बी इज एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड इज एट द प्लेस इज गिवन बाय बी इज अगेन हियर गिवन बाय 0.42 वाट्स। Ignore the length of magnet in comparison to the distances involved. Okay. तो एक तो normal bisector पे निकालनी है। इसके normal bisector पे किस distance पे आएगा r निकालनी है। दूसरी इसके axis पे निकालनी है। ठीक। चलो इसको हम solve करते हैं। सवाल है अपना वहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये r direction r distance पर यहाँ कोई point है।
यहाँ कोई पॉइंट है जहां पर ये इसका जो रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट, इसके मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट और ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। जो बी नेट है, कहने का मतलब बी जो नेट होगा, रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बी दिया हुआ है, तो हम ये बी ई इज गिवन, सो हमें बी एच निकालना पड़ेगा, है ना, बी एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर इसका जो है बी एच, हाँ बी एच तो इसी डायरेक्शन हो जाएगा, बी इसका निकालना पड़ेगा मैग्नेट वाले का, ये इसकी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ। तो बच्चों मान लेते हैं कि हम यहाँ पर, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो ये इस तरह का यहाँ से इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बी मैग्नेट की, बी एम जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, बी मैग्नेट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और अर्थ वाले की बी ई की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली, तभी तो रिजल्टेंट ये दोनों 90 डिग्री पर होंगे। जैसे ही 90 डिग्री पर होंगे इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, 45 पे होगा, ये हमें नहीं पता। तो पहले आप देख लो यहाँ पर tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी ई अपॉन बी एम, और tan अल्फा एंगल कितना आ रहा है, 45 डिग्री, तो tan ऑफ 45 डिग्री पर हमें लेना है। सवाल हमारा ये है कि 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए वहां नेट का, रिजल्टेंट का बी नेट जो आ रहा है दोनों का मिलाकर जो बी नेट है उसका रिजल्टेंट 45 पे होना चाहिए। तो tan 45 विल बी बी ई अपॉन बी एम, वैल्यू निकालने पहले tan 45 वन इज इक्वल टू बी ई अपॉन बी एम, इट मीन्स बी ई इज इक्वल टू बी एम, इट मीन्स बी ई इज इक्वल टू बी एम, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अब देखो आधा काम तो यहां हो गया हमारा, अब इसको निकाल लो, फाइंड आउट कर लो, कोई यहाँ इक्विटोरियल है इस मैग्नेट के लिए, ये मैग्नेट ऐसे है और यहाँ पर इसके नॉर्मल बाइसेक्टर भी ये कोई पॉइंट है, नॉर्मल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है तो वहां पर बी कितना आएगा भाई, इसका बी एम आएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही आएगा ना, है ना, और एक्सिस पे होता तो कितना आता, इसका डबल 2m अपॉन आर क्यू। अब इसी को यूज कर लो, बी एम आ गया आपका इतना का इतना है, यानी 0.42 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10^-7, m is given 5 × 2 × 10^-2 upon r cube, right? बिल्कुल ठीक, r cube इधर ले लो, यहां मिलेगा हमें 5.25 upon 0.42 10^-2 आ गया -5, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हाँ कैंसिल करो इसको, पॉइंट से पॉइंट हट गया, इसको हम 5 से करेंगे तो आएगा 5.25 × 10^-2। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको काटेंगे अगर हम 7 से, तो 7 जो है 49, 3 5 7 5 जे 35, ओके, और यहाँ 7 से काटेंगे 6 टाइम्स, अगेन ये हो जाएगा आपका 25/2, तो आर क्यूब आ गया आपका 12.5 × 10^-5, ठीक है। अच्छा, सो अगेन आर क्यूब विल बी इक्वल टू, यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10^-6 हो जाएगा, 1 to 5 × 10^-6,
और क्यूब रूट निकालूंगा तो आर मिलेगा मुझे 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5, और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 10^-2 मीटर। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है जहां पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा बी नेट यानी बी के रिजल्टेंट और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़िया, नाउ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसको मैं यही लिख लेता हूँ, नीचे बहुत सारी जगह दे रहा हूँ पर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये लिखे, नाउ वी कम टू क्वेश्चन इज सेकंड। इसका क्वेश्चन है ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस यहां पर, यहां एक्सिस पर किस डिस्टेंस पर ये 45 डिग्री का एंगल बनाया है। तो अर्थ का तो ये ना, ये ऐसे कहीं पर होगा 45 पे बी नेट आएगा। ठीक है, तो अब ये इसी से कैलकुलेट कर लो, यहां पर ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है। यहां पर इससे डबल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इससे डबल आएगा क्योंकि यहां पर जो तो फॉर्मूला होगा बी एम वो क्या होगा, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m/r³। इसको मैं आर वन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ आर वन इस साइड। तो आर वन क्यूब आएगा, तो आर वन क्यूब कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देख लो ये इसका डबल होगा, यहाँ इसका डबल होगा। तो अगर तुम्हें मान लो इसको आर ही लिख लेता हूँ, कन्फ्यूजन कम होगा, इसका 2m आएगा यानी सारी कैलकुलेशन यही रहेगी, vm नीचे आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा, तो r क्यूब विल बी क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन bm और इसका ये डबल ऐसे आएगा ना, ये 2 बाहर आ जाएगा, बाकी सारा सेम आएगा। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, 2 × 5 × 10^-2 क्यूब की, नहीं यहाँ आएगा ये आएगा, है ना, ये आएगा 1 × 5 × 10^-6 ये वैल्यू कैलकुलेट कर रखिए। अब आर निकालो, है ना, ऑन एक्सिस क्यूब रूट ले लो यहाँ पर, तो 2^1/3 इंटू इसकी तो ये आएगी 5 × 10^-2 आएगी कि नहीं आएगी, 2^1/2 की 3 की हमने बात की थी अभी, एक करीब ऑन और अबाउट 1.26 होता है मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10^-2 मीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6 = 30 राइट, 5 × 10 = 13.516 × 10^-2 मीटर, या मैं कहूँ इसको सेंटीमीटर में बदल दो तो 6.3 सेंटीमीटर। बहुत ये समझ में आ गया ना आपके, यहाँ पर ऐसे कैसे, क्योंकि इसका डबल होता है यहाँ पर एक्सिस पे, इसका डबल होगा, तो मैंने क्या किया इसको डबल कर दिया पूरे एक्सप्रेशन में। जितना भी आर क्यूब निकालने के लिए जो हम यूज कर रहे थे, आर क्यूब यहाँ पर बी एम यहाँ आएगा, तो ये एक्सप्रेशन था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/bm, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली थी आर क्यूब के हिसाब से, तो इसका ये डबल होगा आर क्यूब, है ना। आर आर निकालने के लिए आर की पावर 2^1/3 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू ऑन और अबाउट, नॉट एग्जैक्टली ऑन और अबाउट 1.26 होती, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर, स्पेशली डीप एंगल का एक क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार मिला है, तो उम्मीद है इस बार भी आएगा। आप इन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से करें, है ना, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो।